नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2020 का तीसरा मुकाबला आज खेला जाएगा दो खतरनाक टीमें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और सनराइज हैदराबाद के बीच। जहां एक तरफ कप्तानी करते हुए नजर आएंगे भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली, तो दूसरी तरफ होंगे ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक ओपनर डेविड वार्नर। यानी कि दो खतरनाक कप्तान एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं। आज होने वाले इस मुकाबले के बारे में हम आपको तमाम जानकारी देंगे, साथ ही बताएंगे कि आज दोनों टीम में किस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी, कौन से वो 11 खिलाड़ी हैं जो आज के इस मुकाबले में कमाल कर सकते हैं। साथ ही कोहली के पास एक शानदार रिकॉर्ड बनाने का भी मौका है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही हेड टू हेड बताएंगे कि कौन सी टीम है अब तक आगे, यानी कि इस मैच से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों बात करते हैं हम आज के इस मुकाबले की, तो ये इस आईपीएल 2020 का तीसरा मुकाबला है जिसमें दो खतरनाक टीमें एक दूसरे के आमने सामने होने वाली हैं। दोनों टीमों के पास कई खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि इस आईपीएल के पहले ही मुकाबले में अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं आईपीएल 2020 की पॉइंट्स टेबल, क्योंकि इन दोनों टीमों में से जो भी टीम जीतेगी वो आईपीएल 2020 की इस पॉइंट टेबल में नंबर वन पर आ सकती है। तो अब तक बात करें आईपीएल 2020 की, तो दो मुकाबले खेले जा चुके हैं जो दोनों मुकाबले काफ़ी शानदार रहे, जिसमें एक मुकाबला जो कि बेहद ही रोमांचक रहा, टाई के बाद सुपर ओवर में दिल्ली कैपिटल ने जीता था, जबकि एक मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स ने डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराते हुए जीता है। तो पॉइंट टेबल में अब नंबर वन पर इस समय है चेन्नई सुपर किंग्स, जिन्होंने एक मुकाबला जीता है, दो पॉइंट है उनके और साथ ही रन रेट है उनकी +0.486, जबकि दिल्ली कैपिटल ने भी एक मुकाबला जीता है, दो पॉइंट है उनके लेकिन उनके पास इस समय रन रेट +0.000 है, यानी कि एक भी अंक ज़्यादा नहीं है। वहीं पर नंबर तीन पर किंग्स इलेवन पंजाब है, जिन्होंने एक मुकाबला हारा है लेकिन इन्होंने मुकाबला टाई करा दिया था और सुपर ओवर में मुकाबला हारा था, इसके कारण इनकी रन रेट माइनस में नहीं गई है, जबकि +0.00 इनकी रन रेट भी, हालांकि इनका पॉइंट कोई नहीं है। वहीं पर मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स से हार कर नंबर आठ पर मौजूद है, लेकिन अब RCB और सनराइज हैदराबाद में से जो भी टीम जीतेगी उसे +0.486 की रन रेट से आगे रहना है। इन दोनों टीमों में से अगर कोई भी टीम ऐसा करने में कामयाब होती है तो वो पहुंच जाएगी आईपीएल 2020 की अंक तालिका यानी कि पॉइंट टेबल में नंबर वन पर। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड मुकाबले और साथ ही आज के इस मुकाबले में किस तरह की पिच रहने वाली है दुबई की। तो आईपीएल के 13वें सीजन का तीसरा मैच सनराइज हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच आज दुबई में खेला जाएगा। RCB के कप्तान विराट कोहली के पास सनराइज के कैप्टन डेविड वार्नर से 2016 फाइनल की हार का बदला लेने का मौका है। तब वार्नर ने कोहली को 8 रन से हराकर दूसरी बार खिताब जीता था। पिछले सीजन में RCB सबसे निचले 8वें पायदान पर रही थी, जबकि हैदराबाद एलिमिनेटर तक पहुंची थी। वहीं पर आज कप्तान कोहली भी एक रिकॉर्ड बना सकते हैं, एक टीम के लिए 50 प्लस मैच जीतने वाले चौथे कप्तान हो सकते हैं। विराट कोहली RCB के सबसे सफल कप्तान हैं, जिन्होंने अब तक 110 मैचों में कप्तानी की है और 49 मैचों में जीत दिलाई है, और आज वो अगर हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला जीते हैं तो 50 प्लस मुकाबले जीत जाएंगे, यानी कि 50वां T20 मुकाबला जीत जाएगी अपनी टीम के लिए। इनसे पहले ये कारनामा महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स, गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को इतने मैच जिताए चुके हैं, जबकि धोनी अकेले कप्तान हैं जिन्होंने CSK को 100 मैच जिताए हैं। लेकिन आज विराट कोहली के पास ये मुकाबला जीतकर टॉप फोर कप्तानों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने 50 मुकाबले एक ही टीम के लिए जीते हैं। वहीं पर अब बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबलों की। दोनों टीमें अब तक IPL के इतिहास में 15 बार आमने सामने हुई है, जिसमें बेंगलुरु ने 6 बार जीत दर्ज की, जबकि हैदराबाद ने 8 बार मुकाबले जीते हैं, जबकि एक मुकाबला इनका बेनतीजा रहा है। बात करें सनराइज हैदराबाद की, तो रॉयल चैलेंजर के खिलाफ उनका जीत का सक्सेस रेट 53% है। वहीं पर अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस मैदान का किस तरह की पिच रिपोर्ट रहने वाली है। दुबई के मैच के दौरान आज आसमान साफ रहेगा, तापमान 27 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं पर इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने ज़्यादा मुकाबले जीते हैं। IPL 2020 की बात करें तो एक मुकाबला खेला जा चुका है इस मैदान पर, जिसमें दिल्ली कैपिटल ने बल्लेबाजी की थी पहले और मुकाबला जीता है। तो यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करना टीम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है।
तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम उन खतरनाक खिलाड़ियों की जो कि इस मुकाबले का पासा पलट कर रख सकते हैं दोनों टीमों की तरफ से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सनराइज हैदराबाद की। तो सनराइज हैदराबाद के पास वार्नर के अलावा जॉनी वेरिस्टो, केन विलियमसन, प्रियम गर्ग और मनीष पांडे जैसे धुरंधर बल्लेबाज हैं। बॉलिंग में इस टीम के पास भुवनेश्वर कुमार के अलावा खलील अहमद और युवा विराट सिंह भी है, साथ ही राशिद खान जैसा खतरनाक स्पिनर भी इस टीम के पास मौजूद रहने वाला है। यानी कि काफ़ी खतरनाक खिलाड़ी इस टीम के पास मौजूद है जो कि पहले ही मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को कड़ी टक्कर दे सकते हैं गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से। वहीं पर अब बात करते हैं हम विराट कोहली की टीम की। तो आरसीबी के पास कई खतरनाक खिलाड़ी मौजूद है जिनमें सबसे अहम खिलाड़ी है विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और एन फिंच। इसके अलावा ऑलराउंडर की बात करें तो इनके पास है क्रिस मॉरिस, मोइन अली और वाशिंगटन सुंदर। वहीं पर बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी इनके पास कई खतरनाक खिलाड़ी मौजूद है जिनमें युजवेंद्र चहल, उमेश यादव और नवदीप सैनी टीम को मजबूत बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं पर आपको बता दें कि टीम के पास बल्लेबाजों की इस बार कोई कमी नहीं है क्योंकि एक से बढ़कर एक दिग्गज बल्लेबाज इस टीम के पास मौजूद है। वहीं पर विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी इसी टीम के कप्तान हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिरकार दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाली हैं, कौन से वो 11 खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरेंगे इन दोनों टीमों की तरफ से। सबसे पहले बात करते हैं सनराइज हैदराबाद की। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने वाले हैं डेविड वार्नर और जॉनी बेरिस्टो। आईपीएल के दो सबसे खतरनाक ओपनरों में से ये जोड़ी है जिसने आईपीएल में कई बार धमाका किया हुआ है। इसके बाद नंबर 3 पर उतरने वाले हैं मनीष पांडे, 4 पर विराट सिंह, 5 पर विजय शंकर, 6 पर अब्दुल समाद और 7 पर मोहम्मद नबी उतरेंगे। अगर टीम मोहम्मद नबी को मौका नहीं देती है तो फिर यहाँ पर केन विलियमसन इस टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन इसके अलावा मनीष पांडे, विजय शंकर और विराट सिंह बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं। वहीं पर इसके बाद नंबर 8 की बात करें तो राशिद खान, 9 पर भुवनेश्वर कुमार, 10 पर खलील अहमद और 11 पर सिद्धार्थ कोहली या फिर संदीप शर्मा में से कोई एक उतरेगा। यानी कि टीम के पास बेहतरीन गेंदबाजी मौजूद रहने वाली है जो कि काफ़ी शानदार हो सकती है। वहीं पर इस टीम में अभिषेक शर्मा को भी मौका मिल सकता है जो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल कर सकते हैं। वहीं पर अब हम बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की। तो इनकी तरफ से ओपनिंग करने वाले हैं एन फिंच और देवदत्त पर्रिकर या फिर पार्थिव पटेल, यानी कि नई ओपनिंग जोड़ी इस टीम की तरफ से हो सकती है। अगर पार्थिव पटेल की जगह पर देवदत्त पर्रिकर को मौका दिया जाता तो फिर एन फिंच और देवदत्त पर्रिकर की जोड़ी उतरेगी। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 की, तो यहाँ पर उतरेंगे विराट कोहली, 4 पर एबी डिविलियर्स, 5 पर गुरप्रीत सिंह मान, 6 पर शिवम दुबे और 7 पर क्रिस मॉरिस। टीम में मौका दिया जा सकता है यहाँ पर बेहतरीन ऑलराउंडर मोइन अली को, लेकिन उसके लिए यहाँ पर क्रिस मॉरिस या फिर डेल स्टेन में से किसी एक खिलाड़ी को बाहर बिठाना पड़ सकता है। लेकिन एबी डिविलियर्स, शिवम दुबे और विराट कोहली जैसे खतरनाक बल्लेबाज इस टीम के पास मौजूद हैं। वहीं पर नंबर 8 पर वाशिंगटन सुंदर, 9 पर डेल स्टेन, 10 पर नवदीप सैनी और 11 पर युजवेंद्र चहल उतरने वाले हैं। यानी कि आरसीबी की टीम भी काफ़ी खतरनाक नज़र आ रही है। तो दोनों टीमों को देखने के बाद आपको क्या लगता है, कौन सी टीम है आईपीएल 2020 की खतरनाक टीम, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।